हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम अबायोटिक फैक्टर्स जो रिमेनिंग वाले बच गए हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अबायोटिक फैक्टर्स के अंदर करंट, प्रेशर, ग्रेविटी, ठीक है। इसी के साथ साथ ये हमारे तीन अबायोटिक फैक्टर बाकी रह गए। इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, जो केमिकल फैक्टर्स हैं उनको भी हम आज के लेक्चर में डील करेंगे। केमिकल फैक्टर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? केमिकल फैक्टर्स के अंदर एटमॉस्फेरिक गैसेस, इसके साथ साथ में पीएच और न्यूट्रिएंट, इनको हम डील करेंगे। तो हम सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अबायोटिक फैक्टर के अंदर करंट से। सबसे पहले हम किससे शुरुआत करेंगे? हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे करंट से। करंट की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं प्रवाह। करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रवाह, या फिर हम धारा बोल सकते हैं, ठीक है। करंट के अंदर क्या होता है कि जैसे हम स्पेशली हम किसके अंदर, या तो वाटर के अंदर करंट की बात करेंगे, किसके अंदर? वाटर के अंदर, या फिर हम बात करेंगे एयर के अंदर। प्रवाह जो होता है वो दो ही चीज़ों का, फ्लो जो होता है वो दो ही चीज़ों का होता है, या तो वाटर का होता है या फिर किसके अंदर? एयर के अंदर होता है, ठीक है। वाटर के अंदर अगर हम बात करें तो वाटर के अंदर कभी भी ये जो करंट होता है कभी भी स्टेबल नहीं होता है। ये कैसा नहीं होता है? ये स्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल होता है, ठीक है, अस्थिर होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वाटर जो होता है, वाटर क्या होता है? वाटर बहता रहता है। अगर नहीं भी बहेगा तो भी उसकी धाराएं जो होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ क्या होगी? उठती रहेगी। नीचे से लहरें ऊपर की तरफ आएगी तो वो पानी क्या होगा? बार बार चेंज होता रहता है। इसी तरह से हवा जब होती है, हवा के द्वारा चलती है, एयर जब चलती है तो एयर के अंदर भी क्या फ्लो चल रहा, प्रवाह चल रहा होता है। तो एयर के अंदर, एयर की वजह से वाटर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? करंट देखने को मिलता है, ठीक है। करंट कैसे? कि जैसे सपोज कि ये कोई रिवर है, ठीक है, या फिर हम ओशन की बात कर लेते हैं। सपोज कि ये कोई ओशन है, इसके अंदर ये क्या है? पानी। तो क्या होगा, जैसे जैसे हवा जिस साइड से आएगी, सपोज कि हवा का रुख जो है वो इस तरह से है, तो ये पानी क्या होगा? ये पानी बह करके सारा का सारा इस तरफ आएगा, ठीक है। अगर हवा का रुख जो है वो अगर इस तरफ है तो पानी जो होगा वो बह करके वो कहाँ पर आएगा? वो इस तरफ आएगा। तो हमें इसके अंदर क्या दिखाई देता है? इस तरह से इसके अंदर टाइडल करंट्स जो होते हैं दिखाई देते हैं। या तो इसके अंदर दो तरह का मूवमेंट दिखाई देगा, हवा की वजह से अगर हम मूवमेंट इसके अंदर देखते हैं, वाटर के अंदर हवा की वजह से मूवमेंट, तो या तो हमें दोलन गति दिखाई देती है, ऑसिलेटरी मूवमेंट दिखाई देता है, ऑसिलेटरी मूवमेंट हमें दिखाई देता है, या फिर हमें इसके अंदर क्या दिखाई देगा? टाइडल करंट दिखाई देगा। टाइडल करंट, ऑसिलेटरी मूवमेंट कौन सा? जो एयर के साथ में, ये जो आपको बताया कि एयर अगर इधर से इधर आ रही है या फिर इधर से इधर है, तो यहां पर कौन सा हो रहा है? ये ऑसिलेटरी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। कौन सा होगा? ऑसिलेटरी, दोलन गति जो होती है। दोलन गति हम देखते हैं किस तरह से बना हुआ एक पेंडुलम, एक बार इधर जाएगा एक बार इधर आएगा, तो ये हमें दिखाई देता है। दूसरा, टाइडल करंट की हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं ज्वारीय गति। क्या बोलेंगे आप? ज्वारीय गति। ज्वारीय गति कैसे होती है कि अगर सपोज कि अगर हवा नहीं चल रही है तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो नीचे वाला वाटर है वो क्या होगा? ऊपर की तरफ आएगा। कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। लहरें जो होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ उठेगी, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं टाइडल मूवमेंट बोलते हैं। ये क्या करती है? ये बहुत बड़ी अच्छी खासी कुछ स्ट्रीम वगैरह बनाती है। इसके एग्जांपल जो होते हैं, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, तो इसके जो वाटर करंट के एग्जांपल हमें देखने को मिलता है, देखने को मिलते हैं एक तो गल्फ स्ट्रीम के अंदर, गल्फ स्ट्रीम के अंदर हमें देखने को मिलता है। ओके, गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर है? ये है जो यूनाइटेड अमेरिका जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलता, वहाँ पर ट्रॉपिकल वाटर को ये पास करती है। दूसरा हमें देखने को मिलता जापानीज करंट। दूसरा हमें कौन सा देखने को मिलेगा? जापानीज करंट।
जैपनीज करंट हमें देखने को मिलता है। ये कहाँ पर होता है? ये हॉट वाटर को एल्यूटिया व अलास्का के किनारे तक लेके जाती है। ये कहाँ पर लेके जाती है? हॉट वाटर को, हॉट वाटर को कहाँ लेके जाएगा? ये हॉट वाटर को लेके जाएगी एल्यूटिया, एल्यूटिया और अलास्का, ठीक है। यहाँ तक ये क्या करती है? तक लेके जाती है। इसकी वजह से क्या होता है? अब इसकी वजह से अगर हम वो करंट की वजह से अगर देखें तो करंट की वजह से हमें कुछ इफेक्ट इसके देखने को मिलता है, प्रभाव जो होते हैं हमें कुछ इस करंट के देखने को मिलता है। किस किस में? ये जैसे सेसाइल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सेसाइल और एनकरेज जो होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। सेसाइल कौन से? मतलब जो स्थिर होंगे। इनके अंदर क्या होगा? जैसे कि हम बात करते हैं साइकॉन की, ओबिलिया की, तो वो क्या होते हैं? सबस्ट्रेटम से चिपके हुए एनिमल होते हैं। सपोज कि अगर हम साइकॉन की बात करें तो ये इस तरह का कुछ साइकॉन सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ रहेगा। तो अब ये एक ही जगह पर ये मूवमेंट नहीं कर सकता, तो क्या होगा? वाटर करंट जब इसके चारों ओर जब फैलेगा इस तरह से, तो ये क्या करेगा? उससे ये फूड लेगा। तो इसके अंदर ये क्या करता है? फूड लेने में हेल्प करता है, ठीक है। किस में हेल्प करता है? ये फूड के अंदर ये हेल्प करता है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। करंट के द्वारा क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। सेकेंड हम अगर इसी के अंदर बात करें तो सेकेंड क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी हमें इसकी वजह से देखने को मिलता है। और भी ये क्या करता है? बहुत सारा काम करने में हेल्प करता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर की। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेशर की। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेशर। प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर के अंदर क्या होता है कि जैसे अगर हम, ये भी वाटर और लैंड के ऊपर हमें देखने को मिलता है। वाटर के अंदर जैसे जैसे हम डाउन जाएंगे यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? वो इंक्रीज होता है। और अगर हम लैंड के ऊपर बात करें, और लैंड के ऊपर अगर हम, जैसे ये माउंटेन है, माउंटेन के अंदर अगर हम ऊपर की तरफ अगर जैसे जैसे बात जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर प्रेशर जो होता है वो कम होता जाता है। प्रेशर क्या होगा? लो, ठीक है। नीचे अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रेशर हमें कैसा देखने को मिलेगा? यहाँ पर हाई, और इस वाले पॉइंट पे हमें प्रेशर एकदम लो देखने को मिलेगा। तो वाटर और लैंड के अंदर प्रेशर जो होता है वो एकदम अपोजिट होता है। वाटर में जैसे जैसे नीचे की तरफ, गहराई की तरफ जाएंगे, वहाँ पर हमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा, इंक्रीज होता है। और लैंड में क्या होता है? ये डिक्रीज होता जाता है। ऊपर की तरफ ये क्या होगा? ये डिक्रीज होता जाएगा। नीचे की तरफ ज़्यादा प्रेशर रहेगा और ऊपर की तरफ कम होगा। तो जब हम देखते हैं कि जैसे पहाड़ वगैरह, पहाड़ी क्षेत्र वगैरह जो होते हैं वहाँ पर, या फिर पहाड़ों पर ऊंचाई पे चढ़ रहे लोग, तो वो क्या करते हैं? साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के चढ़ते हैं। जैसे जो माउंट एवरेस्ट वगैरह जब चढ़ते हैं ना माउंट के ऊपर, और तो वो उन लोगों के पास क्या होता है? उनका ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब यहाँ प्रेशर कम है, मतलब क्या होगा? O2 जो होगी वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो O2 कम होती है तो हमारे बॉडी के अंदर प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है, और बाहर की तरफ एनवायरमेंट के अंदर क्या होता है? कम होता है। तो फिर नोज से, ईयर से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए उन्हें क्या होता है? उन्हें एक्स्ट्रा O2 की ज़रूरत होती है। जो भी क्लाइंबिंग करने वाले होते हैं, जो भी क्लाइंबर होता है, ठीक है, उन्हें किसकी ज़रूरत होती है? एक्स्ट्रा O2 की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऊपर की तरफ चढ़ना है, तो ऊपर की तरफ क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं? अपने साथ साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के चलते हैं। अब अगर हम इसके अंदर बात करें कि इसका जो इफेक्ट होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है, तो इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। जैसे हम अगर बात करें एग्जांपल के, इसके अंदर भी एग्जांपल अगर हमें प्रेशर का देखने को मिले तो कहाँ पर, जैसे अगर हम बीटल्स की बात करें, किसकी बात करें? बीटल्स की, या फिर हम बात करें अर्थवॉर्म की,
बीटल्स और अर्थवर्म की बात करें तो ये हमें कहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर हाईलैंड होगा, मतलब जहाँ पर ऊंचाई वाली जगह जो होगी, हाईलैंड होगा, ऊंचाई वाली जगह जो होती है वहाँ पर हमें ये देखने को मिलती है ऊंचाई के ऊपर, ठीक है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं, जो कम ऊंचाई के ऊपर पाए जाते हैं। इसके अलावा वाटर के अंदर भी फिशेज के अंदर क्या होती है, जब वो नीचे की तरफ मूवमेंट करती हैं तो उनकी बॉडी जो होती है वो कंप्रेस हो जाती है, और कंप्रेस होने के साथ साथ में वो क्या करती है, उनकी बॉयंसी बढ़ाती है। बॉयंसी बढ़ाएगी मतलब प्रेशर जो होगा वो उनके अंदर सही रहेगा, और प्रेशर अगर सही रहता है उनके अंदर तो उसकी वजह से क्या होगा, वो नीचे की तरफ जब मूवमेंट करेगी तो उनकी बॉडी के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता। फिशेज के अंदर अगर हम देखें तो फिशेज के अंदर क्या होता है, जब ये गहराई में जाती है, डेप्थ में जाती है, तो क्या होता है, इनकी बायंसी जो होती है वो बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाएगी, इनकी बायंसी जो होगी वो बढ़ जाएगी। बायंसी जब बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, वो फिर इसको ऊपर की सॉरी वाटर के अंदर क्या करता है, इजीली मूवमेंट में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, इजीली मूवमेंट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्रेशर का इफेक्ट देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेविटी। नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट आएगा हमारा ग्रेविटी। थर्ड अगर हम बात करें इसी के अंदर तो कौन सा आएगा, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, या जिसको हम गुरुत्व बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जिसको हम गुरुत्व बोलते हैं, ठीक है। अब ये गुरुत्व बल जो होता है ये किसके साथ साथ में, जैसे ये जो अर्थ होती है, अर्थ के सेंटर में, यहाँ पर अगर हम ग्रेविटी की बात करें, अर्थ के सेंटर में अगर ग्रेविटी की बात करें तो वो कैसी होती है, हाई होती है, और जैसे जैसे इसे दूर दूर जाते रहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर ग्रेविटी हो जाएगी लो, ठीक है। तो ग्रेविटी भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। ग्रेविटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं होती है एनिमल के लिए, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके स्ट्रक्चर के अंदर या उनके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए क्या करती है, ग्रेविटी इफेक्ट डालती है। स्पेशली किन के अंदर, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मूवमेंट करते हैं या जो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेटरी एनिमल के ऊपर ये ग्रेविटी इफेक्ट डालती है। माइग्रेटरी जो एनिमल होते हैं कहाँ पर मूव करते हैं, जो पोल्स की तरफ मूव करते हैं, पोल्स की तरफ मूव करता है, मतलब ध्रुवों की तरफ जो मूव करता है, ध्रुव वाले जो पोर्शन होते हैं वहां पर जो मूवमेंट करता है उनके अंदर ग्रेविटी क्या करती है, अफेक्ट करती है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर फ्लोट करने में उनको ये हेल्प करती है, तैरने के अंदर ये हेल्प करती है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि ये जो ध्रुव की तरफ जो मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है कि जब ये मूवमेंट करते हैं तो उस टाइम पे इनके अंदर या तो लैंड का इफेक्ट होता है या फिर वाटर का इफेक्ट होता है। तो उस टाइम पे ये उसको मूवमेंट करने के अंदर ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्रेविटी अगर सबसे हाईएस्ट अगर हमें देखने को मिलती है ग्रेविटी, तो जो ओशियंस होते हैं ओशियंस के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कहाँ पर देखने को मिलेगी, समुद्रों के अंदर, ज़्यादा महासागरों के अंदर हमें ये हाईएस्ट देखने को मिलती हैं, ठीक है। कंपेयर देन कॉन्टिनेंट, लोअर कहाँ पर होगी, ये लोअर होगी कॉन्टिनेंट में, जो महाद्वीप होते हैं वहाँ पर ये क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट के अंदर वहाँ पर ग्रेविटी हमें उसका कम इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे हो गए कंप्लीट अबायोटिक फैक्टर, इनसे क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन ये हमें पढ़ने ज़रूरी थे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल फैक्टर। नेक्स्ट कौन सा आएगा, केमिकल फैक्टर। नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस की। एटमॉस्फेरिक गैसेस की, तो गैसेस के अंदर सबको पता है
सबसे हाईएस्ट अमाउंट होता है नाइट्रोजन का, ठीक है, कितना होता है 78% होता है। फिर आता है ऑक्सीजन का, कितना होता है 21% होता है। और फिर कार्बन का आता है 0.03% होता है। फिर अदर गैसेस आती है 1% के अंदर। किसमें आती है अदर गैसेस? 1% के अंदर। तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स CO2 को यूज में लेते हैं। प्लांट्स क्या करेंगे, किसको यूज में लेंगे? CO2 को यूज में लेंगे। किसके लिए लेंगे? फोटोसिंथेसिस के लिए। और किसको रिलीज करेंगे? रिलीज ये किसको करते हैं? ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। और वो ऑक्सीजन किसके द्वारा ली जाती है? वो एनिमल्स के द्वारा ली जाती है। तो इस तरह से ये साइकिल जो होता है वो चलता जाता है। इसके अलावा प्लांट्स क्या करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए? प्लांट्स को अगर जब ग्रोथ करनी होती है तो इनके लिए क्या जरूरी होता है? इनके लिए नाइट्रोजन जरूरी होता है। तो इस तरह से ये सारे के सारे गैसेस जो होती है क्या करती है? ये आपस में एक दूसरे में हेल्प करती है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो वो क्या बनाएगी? वो वाटर बनाएगी, क्योंकि ये आप सब लोगों को पता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन जब मिलती है, सॉरी, कार्बन के साथ में जब ऑक्सीजन मिलती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। तो ये एटमोस्फियरिक गैसेज जो होती हैं ये भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। इनके बिना ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव जो होता है वो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पीएच की, नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच की, ठीक है। तो पीएच हमें पता है, पीएच कैसी होती है? जो स्केल होता है इसके ऊपर, स्केल के ऊपर 0 to 14 तक पीएच होती है। बीच वाली कौन सी होती है? 7 वाली कौन सी होगी? ये होगी न्यूट्रल। कौन सी होगी? न्यूट्रल होगी। इधर वाली जो होगी ये कैसी होती है? जैसे जैसे इधर बढ़ती है तो ये हाईली एसिडिक होती जाती है, हाईली एसिडिक। और इधर जब बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगी? हाईली एल्केलाइन, हाईली एल्केलाइन। तो पीएच भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। जैसे कि युग्लिना वगैरह जो होते हैं ये 2 से लगा करके 8 पीएच तक है ना ये सर्वाइव कर सकते हैं। हमारी बॉडी की पीएच भी है, जैसे हमारे अंदर ब्लड की पीएच वगैरह जो होती है, जैसे वो एल्केलाइन होता है, क्षारीय होता है। तो ये सारी की सारी क्या होती है? ये भी एक पीएच भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। सॉइल के अंदर पीएच ये किस किस के ऊपर इफेक्ट डालता है? ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर, वाटर के ऊपर। वाटर की अगर पीएच अगर सही नहीं है तो वहाँ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सॉइल के ऊपर ये इफेक्ट डालता है। मोस्ट ऑफ द इन तीनों के ऊपर किसका इफेक्ट देखने को मिलता है? पीएच इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, और इसी की वजह से ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट में सर्वाइव कर पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड की, थर्ड केमिकल फैक्टर की बात करें तो थर्ड कौन सा आता है? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। इनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। इनका हाई अमाउंट ही होता है ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है इनका लो अमाउंट ही होता है सर्वाइव करने के लिए। इसके अंदर अगर हमें एग्जांपल देखने को मिले तो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये हमें, इसके अलावा सोडियम, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट में। मतलब इनकी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ज़्यादा ज़रूरत होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो हमें जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, आयरन, आयोडीन, ये सारे के सारे हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर चाहिए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लांट के अंदर अगर हम बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट में तो नाइट्रोजन चाहिए होती है उनको, सल्फर उनको चाहिए होता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जो क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं।
ठीक है। स्पेशली ये न्यूट्रिएंट किस में हेल्प करते हैं, स्पेशली ये हेल्प करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। न्यूट्रिएंट किस में हेल्प करेंगे, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसके अंदर ये हेल्प करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर ये क्या करेंगे, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने अबायोटिक फैक्टर्स को देख लिया और केमिकल फैक्टर्स को देख लिया। इसी के साथ में हमारा जो इसका फर्स्ट एंड का ये जो सेकंड चैप्टर है अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में बात करेंगे। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, वो किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।